हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं जीत। और कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद एक रिव्यू वीडियो लेकर आया हूं मैं। और इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं होंडा की न्यूली लॉन्च्ड एसपी 160 का, साथ ही जो इसकी 160 सीसी की होंडा की खुद की ही दूसरी कम्यूटर बाइक है यूनिकॉर्न 160। दोनों में जैसा कि आप जानते हैं इंजन ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, BS6 कंप्लाइंट का, जो इनका OBD2 कंप्लाइंस वाला इंजन है। दोनों E20 फ्यूल कंपैटिबल हैं। साथ ही आप जैसा कि देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के ही कंपटीशन में होंडा ने लॉन्च किए हैं। तो अब एक पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करते हैं कि कैसे लुक्स हैं इन दोनों के और क्या क्या डिफरेंसेस आपको इन दोनों बाइक्स में देखने को मिलता है। और साथ ही इसके एंड में हम बात करेंगे कि किस प्राइस रेंज पर आपको ये दोनों बाइक्स देखने को मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो जो ये है सामने वो SP160, इसमें आपको सबसे पहले फ्रंट की बात करेंगे हम दोनों बाइक्स की। तो इसमें आपको देखने को मिलती है LED हेडलाइट और जो यूनिकॉर्न है उसमें आपको देखने को मिलती है एलुजन हेडलैम्प। और साथ ही इसका जो पूरा वाइजर काउल है ये वन पीस वाला वाइजर काउल है जो कि काफ़ी बड़ा बल्की लुक है और इसको थोड़ा ज़्यादा एरोडायनामिक लुक्स के साथ बनाया गया है। साथ ही ये अगर आप देखें तो ये कुछ हॉर्नेट 160 से इंस्पायर्ड है जिसको डिफरेंट सेक्शंस में या डिफरेंट पार्ट्स में इसको बनाया गया है, तो आपको इन फ्यूचर रिप्लेस कराने में भी ये बेनिफिट देख मिलेगा। मडगार्ड काउल की बात करते हैं तो मडगार्ड काउल आप देख सकते हैं दोनों का मडगार्ड काउल इसका थोड़ा सा ब्रॉड है और यहीं पर आप इसका मडगार्ड काउल देखते हैं तो ये थोड़ा सा नैरो है। दोनों बाइक में आपको ABS देखने को मिल जाता है एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। 150 cc के अवर बाइक्स में ABS मैंडेटरी होता है, तो दोनों में आपको फ्रंट डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर इसमें भी आपको ABS मिलेगा और साथ ही इसमें भी, बट डिफरेंस ये है कि इसमें जो आपको डिस्क साइज़ मिलता है वो छोटा भी है और ये एक सिंपल डिस्क है। साथ ही इसमें आपको पेटल डिस्क देखने को मिलता है एक बिगर साइज़। टायर सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको 1817 का टायर मिलता है और यूनिकॉर्न में आगे 1818 का फ्रंट व्हील देखने को मिल जाता है। नाउ ये तो हो गई एक मेजर डिफरेंस की दोनों के रिम साइजेस। इसमें यूनिकॉर्न में 18 का मिलते हैं और इसमें आपको SP160 में 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, बट SP160 में आपको डुअल डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है जो कि यूनिकॉर्न में मिसिंग है। बट यूनिकॉर्न में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम तो मिल ही जाता है और कॉम्बी ब्रेक के साथ ही आपको SP160 में भी रियर डिस्क मिल जाता है। तो आप अगर रियर डिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ कॉम्बी ब्रेक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये था फ्रंट पोर्शन दोनों बाइक्स का। फ्रंट आप देख चुके हैं, दोनों में आगे इंडिकेटर जो हैं वो दोनों सेम इंडिकेटर, दोनों हैलोजन वाले बल्ब वाले इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि होंडा का आइकॉनिक ये पुराना डिज़ाइन है। तो सेम इसमें भी सेम इंडिकेटर दिए गए हैं। आगे जैसा कि हैंडल बार वगैरह है, इसका हैंडल बार थोड़ा सा स्पोर्टी है और थोड़ा लो पोजिशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा लो पोजिशन है और इसका हैंडल बार थोड़ा सा अपराइट ज़्यादा आपको मिल जाता है डेप्थ के साथ में। यहाँ पर SP के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करते हैं तो SP160 में जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है वो देखने में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बैकलेट वाला मिलता है, इन्वर्टेड बैकलेट, जैसा कि CB200X और हॉर्नेट 2.0 में भी आता था। बट इसके साथ जो इसमें एनिमेशन यहाँ दिया गया है, इसमें राउंड एक RPM मीटर इंडिकेटर दिया गया है, सेंटर में इसके गियर पोजिशन इंडिकेटर है। साथ ही यहाँ पर आपको एक बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है इसके लिए जहाँ स्पीड आपको मिल जाएगी किलोमीटर पर आर में। यहाँ आपको ट्रिप मीटर वगैरह भी मिल जाते हैं और साइड स्टैंड का सेंसर भी मिल जाता है। इसका साइड स्टैंड आपको यहीं पर मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप साइड स्टैंड देखेंगे तो जैसे ही साइड स्टैंड ओपन होता है यहाँ पर इंडिकेटर आ गया। अदर बाइक्स में जैसे आपने देखा होगा एक LED इंडिकेटर यहाँ ऊपर दिया जाता है, इसमें साइड स्टैंड इंडिकेटर डिस्प्ले के अंदर ही मिलता है साइड ही। साथ ही इसमें आपको हैजार्ड इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं जो कि हैजार्ड स्विच यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अगर हैजार्ड स्विच हम ऑफ करते हैं और ये हैजार्ड स्विच ऑन करने पर, तो ये बेटर चीज़ है जो काफ़ी 160 सीसी या स्पोर्ट्स बाइक्स में मिसिंग होता है, उनमें एक ही सिंगल इंडिकेटर दे दिया जाता है। बट होंडा में ये चीज़ हमेशा से अच्छी रही है कि आप जिस साइड का इंडिकेटर देना चाहेंगे तो आपको पता चलता है, लाइक लेफ्ट इंडिकेटर है या राइट है तो सेपरेटली पता चल जाता है कि आपका कौन सा इंडिकेटर ब्लिंक में है। और इसके साथ ही यहाँ पर ABS इंडिकेटर और मल्टीपल जो भी इसके ऑप्शंस हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं। हाई बीम का स्विच आप देख सकते हैं, यहाँ हाई बीम का स्विच भी है। अब बात करते हैं यूनिकॉर्न के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो ये पुराना अपना एनालॉग वाला जो आता है जो शुरू से यूनिकॉर्न का डिस्प्ले रहा है, यहाँ पर आपको सेंटर में स्पीड का पूरा इंडिकेटर मिल जाता है विद ओडोमीटर एंड ट्रिप मीटर। यहाँ पर ओडोमीटर टोटल वाला है और यहाँ ट्रिप मीटर भी है। साथ ही राइट साइड में आपको फ्यूल का इंडिकेटर मिल जाता है जो फ्यूल लेवल पूरा दिखाता है, इंजन का फ्यूल पंप का ये इंडिकेटर है। साथ ही यहाँ हाई बीम का आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट इंडिकेटर और न्यूट्रल का इंडिकेटर मिल जाता है। और लेफ्ट साइड में आप यहाँ देख सकते हैं ये RPM पूरा मीटर मिल जाता है और यहाँ पर रीसेटिंग के लिए ट्रिप रीसेट का बटन भी आपको मिल जाता है। और इग्निशन तो एज इट इज़ जो की है इसकी भी हैंडल पर पोजिशन है। और टैंक बात करते हैं तो इसका टोटली जो टैंक है वो मेटेलिक टैंक है। वहीं SP160 में अगर टैंक की बात करते हैं
तो अंदर से वो मेटेलिक टैंक है और ऊपर से उसे फाइबर से कवर किया गया है थोड़ा सा स्पोर्टी लुक के लिए, जैसा कि एसपी का आइकॉनिक डिज़ाइन होंडा ने रखा है हमेशा से। मिरर दोनों में आपको, दोनों में जो मिरर्स हैं वो सेम देखने को मिलेगा, और यहाँ स्विच गियर दोनों बाइक्स में आपको टोटली सेम देखने को मिलता है, सिर्फ एसपी 160 में आपको यहाँ पर हैजर्ड स्विच देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो आपका मीटर ग्रिप्स और सारा कुछ है वो सेम देखने को मिल जाता है यहाँ पर इंडिकेटर और स्विचेस वगैरह में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एम्बलम वगैरह की, तो यहाँ पर होंडा का 3D एम्बलम आपको टैंक पर मिलता है यूनिकॉर्न पर। सिमिलरली एक थोड़ा सा थिन डिज़ाइन का यूनिकॉर्न आपको एसपी 160 पर एम्बलम मिल जाता है होंडा का। और फिर साइड बॉडी की बात करते हैं, आप इंजन को देखें तो इंजन टोटली देखने में दोनों गाड़ियों के ओवरऑल इंजन सेम है, इंजन में काफ़ी कोई डिफरेंस नहीं है देखने में, बिकॉज ऑलमोस्ट पावर सेगमेंट सारा कुछ इनका सेम ही आता है। बट जैसा कि एक्सपेक्टेड है आपको एसपी 160 से ज़्यादा माइलेज मिल सकती है कंपेयर टू यूनिकॉर्न 160। एक और चीज़ में डिफरेंस बताना चाहूँगा कि यूनिकॉर्न 160 में कोई भी इंजन काउल अवेलेबल नहीं है, वहीं आपको एसपी 160 में एक इंजन काउल देखने को मिलता है जो कि मेटल बेस्ड है, और इसका सेंटर पार्ट भी मेटल है, बीच में थोड़ा सा वहाँ फाइबर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा फाइबर पार्ट है, और साइड पार्ट ये भी पूरा मेटेलिक है। एग्जॉस्ट मैट एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलता है, दोनों में एग्जॉस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, ये एसपी 160 का आप एग्जॉस्ट देख सकते हैं। और वहीं एसपी 160 का जो एग्जॉस्ट है वो थोड़ा सा अगर आप देखें कि एसपी 160 का एग्जॉस्ट काफ़ी अपराइट है, कंपेयर करते हैं अगर हम यूनिकॉर्न 160 से, तो इसका एग्जॉस्ट की पोजीशन काफ़ी सीधी है, बट देखने में अगर एग्जॉस्ट देखें तो लेंथ ऑलमोस्ट दोनों बाइक्स के एग्जॉस्ट की सेम है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों बाइक्स के एग्जॉस्ट, पीछे से भी ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन है दोनों के एग्जॉस्ट का। इस पर आपको क्रोम प्लेट मिलती है इंजन की, सॉरी आपको जो एग्जॉस्ट की साइलेंसर कवर मिलता है वो यहाँ पर क्रोम प्लेटेड है, और यहाँ पर आपको मैट पेंट का यूनिकॉर्न में मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके रियर सस्पेंशन की, तो रियर में आप देख सकते हैं दोनों बाइक्स में ही मोनोशॉक सस्पेंशन रियर मिल जाता है, जो कि यूनिकॉर्न में सबसे पहले आया था। यहाँ यूनिकॉर्न में भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, बट इसमें आपको चेन कवर जो है वो कवर के साथ मिलता है चेन, यहाँ पर आपको ओपन चेन सिस्टम मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। एसपी 160 की बात करें तो एसपी 160 में जो टायर अभी आपको देखने को मिल रहा है ये टीवीएस के टायर हैं, बट ये वाला टायर जो एसपी 160 में पीछे टायर सेक्शन है वो 180, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं एसपी 160 में रियर टायर जो अवेलेबल है वो 130/70/17 का टायर है, और साथ ही यहाँ यूनिकॉर्न में अगर आप पीछे का टायर देखें तो ये 190/18 का टायर आपको देखने को मिलता है। तो टायर वाइज भी आप देखें तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों बाइक्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं एसपी 160 में आपको एलईडी टेल लैम्प देखने को मिलती है, जिसको कुछ एम जैसा डिज़ाइन दिया गया है, बट इसके साइड जो हैं वो हमेशा आपकी जलती रहती हैं डीआरएल की तरह बैकलाइट इसकी, और जब आप ब्रेक को प्रेस करते हैं तो ब्रेक प्रेस करने पर आपका सेंटर वाला ग्लो कर जाता है। तो ये कुछ आपको इंस्पायर आप देख सकते हैं कि ये एक्सब्लेड से कुछ इंस्पायर्ड है, बट ओवरऑल अगर देखें तो इसका जो लुक है ना वो बहुत ही प्रीमियम लुक आता है पीछे से देखने में। आप जैसा कि देख सकते हैं दूर से एक बार फिर से, ये देखिए अंधेरे में कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है डार्क में। और वहीं यूनिकॉर्न का सिंपल जो हेलोजन बल्ब वाला टेल लैंप है यही आपको देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो लुक आता है पीछे से, अगर आप हैजार्ड के साथ बाइक को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको पीछे से इसका रियर लुक देखने को मिल जाता है। नाउ बात करते हैं दोनों बाइक्स के प्राइस की, तो यूनिकॉर्न आपको मिलती है, यूनिकॉर्न का फरीदाबाद में जो एक शोरूम प्राइस है वो है 1,09,000 से स्टार्टिंग, और एसपी 160 का जो फरीदाबाद में एक शोरूम प्राइस है वो 1,18,000 से स्टार्टिंग है, जो कि थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है अलग स्टेट टू स्टेट में। और ऑन रोड प्राइसेस आपको आपके आरटीओ के अकॉर्डिंग सेपरेट स्टेट के अलग या सिटी के हिसाब से अलग मिलते हैं। बाकी ये जो मैंने रेट बताया 1,18,000, ये इसका सिंगल डिस्क मॉडल का रेट है, और इसका जो डुअल डिस्क मॉडल है वो 1,22,000 ऑनवर्ड्स है। तो ये रहे आपके कुछ रेट्स वगैरह, ओवरऑल कंपैरिजन जो मेन कंपैरिजन था वो मैंने दोनों बाइक्स का कर दिया है। नाउ बात करते हैं कि इन दोनों बाइक्स में मुझे ज़्यादा खास कौन सी लगी, तो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे न्यू लुक के हिसाब से एसपी 160 ज़्यादा अच्छी लग रही है, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक भी है, और सीट पोजीशनिंग के हिसाब से भी ये थोड़ा सा स्पोर्टी सीट है इसकी, जैसे कि आप क्लोजली देख सकते हैं इसकी सीट काफ़ी कुशनिंग है, इसका रियर सेक्शन की कुशनिंग यूनिकॉर्न से ज़्यादा बेटर है, बट ये पार्ट इसका थोड़ा सा नैरो है। और यहाँ आप सेंटर पोजिशन देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्लॉसी लुक है, और साइड वाला मैट लुक है, ग्राफिक्स भी काफ़ी प्रीमियम दिए गए हैं, टैंक का कवर जो है वो तो ऑलरेडी स्पोर्ट्स बाइक जैसे कि मेरी CB200X में आपने देखा ही है वैसा ही दिया गया है, हैंडल पेंटेड है इसका ब्लैक शाइनी ब्लैक हैंडल इसको दिया गया है। तो ओवरऑल कुछ ये था इसका बाइक का लुक आप देख चुके हैं, और
ये टेल सेक्शन वगैरह। दोस्तों ये था एक ओवरऑल रिव्यू यूनिकॉर्न 160 के साथ में SP160 का। तो आई होप आपको दोनों बाइक्स अच्छी लगी होंगी, और दोनों में से आपको कौन सी लेने का मन है, या आपका कोई फ्रेंड या कभी कोई लेना चाहे तो फरीदाबाद में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फरीदाबाद होंडा को। और इन दोनों में से जो आपको पसंद लगी है उसका नीचे कमेंट में नाम जरूर लिखें। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग JS Extreme।